नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा बच्चों को एक बड़ी सौगात दे दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत की एवं इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे और उसके पश्चात उनकी देखरेख के लिए एक समस्या उनके व्यक्तिगत जीवन में हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी सदियों में होने वाली एक त्रासदी थी जिसमें लगभग हर परिवार को प्रभावित किया है, लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। और कोरोना जिसको हुआ वो रिकवर हो गया, वो एक तरह से स्वयं को अपने आप में लकी समझते हैं कि कोरोना हुआ और उसके बाद हम वापस इस सोसाइटी में अभी तक जिंदा हैं और आज हम इस मीटिंग में भाग ले पा रहे हैं। जिस समय फर्स्ट वेव में कोरोना आया था और उसके बाद सेकेंड वेव में जिस तरह से कोरोना आया था, लगभग हर कोई डरा हुआ था, चारों तरफ एक हाहाकार का माहौल था और उन परिस्थितियों में काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को खोया, काफ़ी लोगों ने अपने निकटतम संबंधियों को खोया, तो निश्चित रूप से काफ़ी कष्ट भरा अनुभव था। जिला प्रशासन के लिए भी उस समय उन विकट परिस्थितियों में सभी को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ देना, सभी को टेस्टिंग करवाना, ये जानते हुए भी कि बीमारी कितना घातक है, उसके बावजूद भी लगभग जिला प्रशासन के सभी फील्ड ऑफिसर्स ने काफ़ी मेहनत से जी जान से इसमें काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हमारे समाज में इस कोरोना की भीषण महामारी के बीच भी हम सभी का सोसाइटी अभी सुरक्षित है। और उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन के माध्यम से लगभग अब क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नया वेरिएंट किस रूप में आएगा और किस प्रकार से हम सभी को प्रभावित करेगा। इसलिए अभी भी हम सभी को प्रिकॉशनरी मेजर लेने की ज़रूरत है। अभी भी 2 गज दूरी और मास्क, उन सभी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है और साथ ही जिन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि हमारे जिला में भी एक बच्ची जिसका आइडेंटिटी हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उसका उम्र 18 साल से कम है और कानूनी प्रावधानों के तहत उनका प्राइवेसी का जो राइट है, जो अधिकार है, उसको हम सभी को सुरक्षित किया जाना है। डिजिटल रूप से हस्तांतरित करने के लिए अपने शुभ हस्तों से बटन दबाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने